पांचवी सहरी और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से डेली रूटीन का व्लॉग नहीं लेकर आ रही, इतना बिजी चल रहे थे हम, आप लोग देख ही रहे हैं ट्रांसमिशन पे इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा। तो आज मैंने सोचा कि आज संडे है और आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रहे होंगे और ट्रांसमिशन संडे को आनी नहीं है, तो मैंने बोला क्यों ना आप लोग के लिए व्लॉग लेके आ जाऊं सहरी टू अवतार का। और अब हम किचन में जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है सहरी में, किचन में जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है सहरी में। और वैसे तो हमारे सहरी में खजला फैनी बनती है, डॉन के पराठे बनते हैं और चाय, और मतलब मर्जी के ऊपर बात है, जब जिसका जो दिल चाहे वो बनता है। वैसे हमारे घर में कोई रोटी सारा नहीं खाता, चाचू और पप्पा वगैरह खाते हैं क्योंकि ये लोग अफ्तार में सिर्फ फ्रूट खाते हैं और कुछ नहीं खाते, तो बस फिर सहरी में ये खा लेते हैं। और हम लोग, मेरा तो कोई वो नहीं, मैं ना खजला फैनी खाती ना ये, कभी अगर कुछ हुआ तो खा लिया, वरना मैं कभी कुछ खाती नहीं, बस मैं पानी पीती हूँ। बाकी जैसे हमारे घर में एक, जैसे कुछ लोग अंडा खाते हैं, जैसे मम्मा माई पी जन में ये लोग अंडा खा लेते हैं, और पापा और चाचू सालन, मैंने आप लोग को बताया था। और हम लोग जैसे अगर खाना इस टाइम नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते इस टाइम, तो अगर हम इस टाइम कुछ भी नहीं खाते तो अगर हम इस टाइम कुछ भी नहीं खाते तो हम उससे पहले शेक वगैरह पी लेते हैं सहरी से पहले, कि सहरी में क्या बन रहा है। मैं देखो मेरे साथ अंडा बन रहा था, अब देखते हैं। और यहाँ पे जैन भी अपना व्लॉग का आवाज़ सुनाती हूँ, बैंड बाजे वालों की, ये उठे हुए लोगों को उठाना आती है। वैसे आप लोग को आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन फिर मैं आप लोग को सुनाती हूँ, आ रही है आवाज़। सो गाइस, अभी बैंड बाजे वाला, अब मैं किचन में आ गई हूँ और आप लोगों को ही मैंने अभी दिखाई थी, सुनाई थी बैंड बाजे वालों की आवाज़। अगर आप लोगों को सही से नहीं आई आवाज़ तो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को सुना दूंगी। और अभी मम्मा बस उठने वाली हैं, मम्मा का थोड़ी सी देर के लिए लेट जाती हैं, और अभी बस ये पानी गर्म, हम लोग घर में बॉयल करते हैं पानी, हम वो नहीं पीते कच्चा पानी, और ये दूध गर्म वर्म हो रहा है क्योंकि अभी खजला फैनी बननी है। कौन कौन खाता है खजला फैनी? मैं खाती नहीं हूँ लेकिन सब खाते हैं। तो कुछ नहीं खाते, ये डॉन का पराठा जर्णो भाई को खाना था तो इस वजह से आज बन रहा है, वरना हम लोग रोजे के बाद खाते हैं चाय से। गाइस, अब मैं सहरी करने बैठ गई हूँ और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं सहरी में क्या खा रही हूँ। वैसे रोज मैं नहीं खाती, आज खा रही हूँ, मम्मा ने जबरदस्ती बोला कुछ ना कुछ खाओ, क्यों अफ्तार के बाद हम लोगों ने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था। तो अब देखिए, तो मैं खाती हूँ, क्या दिखाती हूँ कि मैं सहरी में क्या खा रही हूँ। रोज तो मैं नहीं खाती कुछ, मैं और माई पी जो खा रहे हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये दो कटलेट्स हैं, एक माई पी खा रही, मैं, हम ये भी नहीं खा रहे थे, मम्मा ने जबरदस्ती बोला, और मैं और माई पी, मैं मम्मा, हम खा नहीं रहे थे लेकिन मम्मा ने जबरदस्ती बोला कि खा लो, क्योंकि खाना भी नहीं खाया था, मम्मा ने बोलता कि वरना फिर रोजा रखने ही देंगी, तो फिर मम्मा ने जबरदस्ती खिलाया। तो अब मैं खाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब टाइम खत्म हो चुका है सहरी का और अब हमने पानी वानी सब पी लिया, अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ और अब मैं आप लोगों से कल मिलूंगी। और अभी मैं नहीं मिलूंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, नमाज पढ़ने के बाद बस मैं सो जाऊंगी, तो मैं अब आप लोगों से सुबह मिलूंगी, मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं उठ गई हूँ, मैं नमाज सब पढ़ ली है, और आप लोग बताएं आप लोगों का रोजा कैसा गुजर रहा है। नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, और बताएं अभी तक किसने सारे रोजे रखे और किस किस को। मुझे तो रमज़ान बहुत पसंद है, आप लोग को बताएं आप लोगों को कौन सा महीना पसंद है और मज़ा आ रहा है आप लोगों को रमज़ानों में। अब अफ्तार के टाइम होने वाला है तो अब देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। और यार, मेरे भी चैनल पे देख लिया करो ट्रांसमिशन, सब माई पी के और अप्पी के चैनल पे देख लेते हैं, मेरे पे तो कोई देख ही नहीं ना, मेरे तो व्यूज़ ही नहीं बढ़े। यार, मेरे भी जल्दी जल्दी व्यूज़ बढ़ाओ ताकि मेरे बढ़े। और अब देखते हैं किचन में क्या बन रहा है, चले मेरे साथ। खाने लेके आई हूँ कि क्या क्या बना है अभी तक और क्या क्या बन रहा है। तो ये मीठे दही बड़े बन रहे हैं, बन गए हैं, अभी इसकी चटनी बनेगी, ठीक है। आलू के पकोड़े बन रहे हैं, ये पालक के पकोड़े बन रहे हैं, और ये छोले अभी बनेंगे, बॉईल होने में रखे हुए हैं, और बाकी भी सामान, और वहाँ पे काठियावाड़ी ये रहे, अभी आधे बने, अभी पूरे बनेंगे। बस रोजा खुलने वाला है।
पढ़ ली। जीतो पाकिस्तान में कहीं भी मिस नहीं करती। आप लोग बताएं कौन कौन जीतो पाकिस्तान देखता है और कौन कौन अभी, मैं सिर्फ रमजान के जीतो पाकिस्तान देखती हूँ। और आप लोग बताएं कितना मजा आ रहा है जीतो पाकिस्तान देखने। तो अब खेलेगा पूरा पाकिस्तान, तो चलिए मेरे साथ। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग सैनी में नहीं खाते डॉन के पराठे, हम अफ्तार के बाद खा रहे हैं। मैं माई पी मामा, आप लोग बताएं आप लोग किस किस को पसंद है डॉन के पराठे। सब मैं जीतो पाकिस्तान देख के आ चुकी हूँ और दो तीन ड्राइव भी देख के आ चुकी हूँ। आजकल जो हमसे नहीं आ रहा झुके झुके, मुझे बहुत अच्छा लगता है आयजा खान वाला। आप लोग भी देखिएगा, बहुत मजे का ड्रामा है। और अब मैं अपनी कुल्फी इंजॉय कर रही हूँ, न्यू डिश चली था इस वजह से जो है। वैसे तो हम हर साल ही बनाती है आइसक्रीम, लेकिन इस दफा न्यू रेफ्रिजरेटर आया है तो इस वजह से बड़ा उतनी कूलिंग नहीं हो पाती, सही जमती नहीं। तो इस वजह से रमजान हमेशा बनाती है, इतना मजा आता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा कुल्फी घर में बना के, बाहर वाली तो पता जाती है। और ये स्पेशली कोमल आंटी के लिए मैं दिखा रही हूँ। कोमल आंटी आपको तो मिल जा रहा होगा जरूर इसे खाने का। और अब ये मैं उठा रही हूँ और ये मेरी गिर चुकी है पूरी कोमल आंटी, लेकिन मैं आप ऐसे मैंने आज ही वीडियो में शूट किया है। वरना मैंने बोलता छोड़ अभी के मैं दिखाऊंगा एक नंबर, लेकिन नहीं दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अंदर तक ठंडक हो जाती है। मैं पहले खा लूँ फिर आप लोग, मैं यही बता दूँ कि रोजा की नहीं है ये किसी और चीज की। अगर आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे तो आप बता दें, मैं माई पी या आप लोग को शेयर कर सकती है। माई पी आपको शेयर करेंगी मम्मा की आइसक्रीम है स्पेशल, तो आप लोग को कुल्फी है। ये आइसक्रीम मम्मा बनाती है, आपको आइसक्रीम चाहिए होगी तो आइसक्रीम बता दी, कुल्फी चाहिए होगी तो कुल्फी। मैंने आप लोगों को सही टू अफ्तार रूटीन सारी दिखाई, जितना कैप्चर कर पाए मैंने आप लोगों की दिखाया। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और न्यू ब्लॉग देखूँ कब आए, लेकिन अभी आप लोग इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह।